नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अगर आपका मकान पूर्ण वास्तु से बना हुआ है फिर भी वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, ये जाने कैसे हो सकता है। और ये वास्तु दोष जो उत्पन्न होता है ये आपको भी नहीं पता रहता है, और आपका वास्तु दोष उत्पन्न करके आपको जो है सो गलत परिणाम देने लगता है। ये क्या है, इस चीज को समझें। हम जाते हैं अपने इतिहास की ओर, क्योंकि इतिहास जो गलती होता है उससे सीख करके हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता प्रशस्त करते हैं। यह क्या है, इस चीज को समझें। महाभारत काल के समय की बात है। जब आप इस चीज को समझें कि इंद्रप्रस्थ की संरचना पूर्ण वास्तु से किया गया था, यह शिल्पकार थे मैमत्स एक राक्षस थे, जो समझिए कि विश्वकर्मा के बाद सबसे बड़े ज्ञाता वास्तु के थे। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार जब इंद्रप्रस्थ की संरचना होने लगी तो बनाया जाने लगा, तो मैमत्स को ही यह शिल्पकार के रूप में सेलेक्ट किया गया कि भैया आप इसे पूर्ण वास्तु से बनाएं, क्योंकि इसमें दुनिया के जो अखंड भारत का कहें भारतवर्ष का राजा का निवास रहने वाला है, और एक दिन इन्हें सभी प्रकार का सुख समृद्धि मिले। चूंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे तो अपने भक्त को वो पूर्ण सुरक्षित और व्यवस्थित रखना चाहते थे। जब इंद्रप्रस्थ की पूरी संरचना हो गई, लोग को उसके उद्घाटन में बुलाया गया बहुत दूर दूर से, तो उसमें क्या हुआ, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि इंद्रप्रस्थ में रहने वाले लोगों को 14 बरस के वनवास तक भोगना पड़ा, अपने जुए में सब चीज हारना पड़ा, यहाँ तक कि पत्नी को भी हारना पड़ा। इसी की बारीकी को हम समझेंगे, ये कैसे वास्तु दोष उत्पन्न हुआ और यह वास्तु दोष कैसे सर्वनाश कर दिया। यहां पर एक वास्तु दोष उत्पन्न हुआ जिसको वाणी का वास्तु दोष कहते हैं। वाणी जो आपकी बोली है, जो आप बोलते हैं, वह बहुत ही अनमोल है, क्योंकि यह भी वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। आप जानते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये वाणी दोष से आता है, कोर्ट कचहरी ये वाणी दोष से आता है, रिलेशन में खटास होना ये वाणी दोष से आता है, आपका जमा पूंजी खत्म हो जाना ये वाणी दोष से होता है, आपका भविष्य का जो निर्धारण है ये वाणी दोष से आता है। तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। मात्र द्रौपदी के एक शब्द के द्वारा एक शब्द की संरचना की गई थी, और वह शब्द जो है पूरी महाभारत का जो है संरचना कर दिया था, करोड़ों आदमी मरे थे। तो ये क्या है, द्रौपदी ने एक शब्द केवल बोला था कि अंधा का पुत्र अंधा, यह सत्य है, सत्यता है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो हम वाणी को दोष उत्पन्न कर दिए, भाव उत्पन्न कर दिए, भाव में पूरी शरीर की संरचना को गलत कर दिए, ब्रह्मांड के संरचना को हम दूषित कर दिए, ये वाणी दोष से उत्पन्न होता है। और आप भी जानते हैं कि महाशक्तिशाली पांचों भाई के रहते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण तक हो गया था। तो ये शब्द, ये गलती आपके द्वारा नहीं हो, इसी के लिए हम ये वास्तु बना रहे हैं। वाणी दोष उत्पन्न करने के लिए चार ग्रह काफी हैं, क्योंकि अगर वाणी दोष उत्पन्न होगा तो ये चार ग्रह आपके दूषित हो जाते हैं, या ये चार ग्रह दूषित होने के कारण वाणी दोष उत्पन्न होता है। तो हम इसको कोरिलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि सूर्य, मंगल, बुध और चंद्र, ये चारों ग्रह वाणी के लिए उत्तरदायी हैं, अर्थात वाणी का जो दोष उत्पन्न होता है इन ग्रहों के चलते हो सकता है। अगर वाणी दोष उत्पन्न हुआ तो ये ग्रह जिस जिस क्षेत्र के अधिपत्य हैं, ग्रह हैं, वह भी आपका बर्बाद हो जाएगा, वहीं से वास्तु दोष आपका उत्पन्न हो जाएगा। हम आते हैं कि सूर्य, सूर्य के द्वारा अगर आपने वाणी दोष उत्पन्न किया,
गलत शब्द बोला, गलत उच्चारण किया, गलत लोगों को संबोधित किया, तो सूर्य खराब हो जाता है। और सूर्य जो है पूर्व दिशा ईस्ट दिशा का स्वामी है, ग्रह है, तो ये ग्रह जो है आपके पूर्व दिशा को डिस्टर्ब कर देगा। और पूर्व दिशा 16 जोन में जो है वह है आपके सोशल एक्टिविटी का, अर्थात आपका सोशल एक्टिविटी समाप्त हो जाएगा। इसका सादा, इसका एकदम ताजा उदाहरण बताते हैं। राजनीतिक में आप देखें कि राहुल गांधी के वाणी दोष के चलते कितना प्रॉब्लम हो रहा है, जो दिग्विजय सिंह हैं उनके वाणी दोष के चलते कांग्रेस डूबने की स्थिति में है, तो ये वाणी दोष है, इस चीज को समझें। दूसरा ग्रह आता है आपका मंगल, मंगल भी डिस्टर्ब हो जाता है। मंगल जो है दक्षिण क्षेत्र का अधिपत्य ग्रह है, तो अधिपत्य रूलिंग ग्रह है, तो इसका मतलब वो देता क्या है सोलर जोन में, साहस देता है, आपको ताकत देता है, मनोबल देता है, आत्मविश्वास देता है, आपका ब्रांड देता है, आपके जो ब्लड रिलेशन है वह देता है। तो इसका मतलब अगर मंगल दोष यहां उत्पन्न हो गया तो दक्षिण मुखी मकान के लिए तो बहुत घातक है, अदर दिशा के मकान के लिए भी यह घातक हो जाता है। अब आते हैं कि बुध ग्रह, बुध ग्रह भी डिस्टर्ब होता है। बुध ग्रह डिस्टर्ब होता है कैसे, बुध उत्तर का स्वामी है, ग्रह है, अधिपत्य ग्रह है, रूलिंग ग्रह है, रूलिंग प्लैनेट है, तो ये आपका उत्तर दिशा डिस्टर्ब हो जाता है। और उत्तर दिशा अगर डिस्टर्ब हो गया तो आप समझिए कि आपके जीवन में अवसर आएगा ही नहीं, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आएगा नहीं, क्योंकि 16 जोन में जो ये क्षेत्र है यह उत्तर दिशा है। आप भी जानते हैं कि बुध जो है वाणी के लिए बहुत ही कारक ग्रह है। तो अब आते हैं चंद्र पर, चंद्र जो है वायव्य कोण का है अधिपत्य ग्रह, रूलिंग प्लैनेट। वायव्य कोण आपकी सपोर्ट का क्षेत्र है, जब तक जीवन में सपोर्ट नहीं रहेगा, कोई आधार नहीं रहेगा, तो वह व्यक्ति गिर सकता है, तो सपोर्ट खत्म हो जाता है। ये माता का कारक है तो माता भी डिस्टर्बेंस होने लगता है, अर्थात जो सुख है, जो एक मातृ ममता की छाया है, वो समाप्त होने लगता है। और यहां जो है अचल संपत्ति सुख का भी ये स्वामी है माता, तो ये भी आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। अब इससे आता क्या क्या है, इस चीज को देखें, आपकी सोशल नेटवर्क जो डेवलप था वह समाप्त होने लगेगा। आप सोशल में रहते हुए भी बिल्कुल जीरो पर आकर खड़े हो जाएंगे। आप देखिए कि आपके जीवन में जो है साहस खत्म हो जाएगा, आप जो है सो बिल्कुल जो है सो आत्महीन के रूप में रहने लगेंगे, आपका कोई जीवन में नाम ब्रांड नहीं हो पाएगा। और उसके बाद देखें कि अवसर ही नहीं आएगा, जीवन में सब चीज हाथ से ही सब समाप्त हो जाएगा, तो ये सपोर्ट किसी का नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी होगा, जमा पूंजी खत्म होगा, कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, तो ये सारे चीज यहां से उत्पन्न। और ये चारों जब दोष उत्पन्न होता है वाणी के द्वारा, तो आप समझिए कि राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। और राहु अधिपत्य है आपका नैऋत्य का, आपकी स्थिरता का, तो सब चीज जो है सो आपका समाप्त होने लगता है। तो ये सारी चीज को बारीकी से समझें, कभी भी गलत शब्द का उपयोग नहीं करें नाप तौल करके, आप शब्द को बोलें, शब्द का उच्चारण करें। तो ये सारी चीज, चूंकि आज ये वाणी आपके बोली का दोष के कारण कई ग्रह खराब होते हैं और आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, इसे बहुत गंभीरता से समझें। और आपके लिए अगर ये उपयोग में आता है तो यह वीडियो देख करके आप अपने जीवन में उपयोग करें और दूसरे तक भी जोड़ें। इस प्रकार अगर इससे रिलेटेड और आपको वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में आकर के कहना होगा, तभी आपका दूसरा वीडियो हम आपके लिए देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।